नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता अनुराग साहू की आत्महत्या को लेकर प्रदेश भर में वकीलों में आक्रोश देखा गया। दरअसल शुक्रवार को जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील ने अनुराग साहू ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह कदम अनुराग ने कोर्ट में एक केस की सुनवाई के बाद उठाया। बताया गया कि आत्महत्या से पहले वकील अनुराग ने एक रेप के आरोपी पुलिस अफसर संदीप अयाची की जमानत मामले में दूसरे पक्ष के वकील से बहस की थी। इस केस की सुनवाई जज संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई। इस वजह से बाद में अनुराग ने घर जाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वकील अनुराग द्वारा उठाए गए आत्महत्या के कदम के बाद वकील भड़क गए और उन्होंने कोर्ट परिसर में शव रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वकील अनुराग की मौत से गुस्साए अधिवक्ताओं ने अदालती कामकाज ठप कर दिया, तो वहीं भोपाल जिला अदालत ने भी अब भी वकीलों ने काम से विमुक्त होकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। सर, सारे अधिवक्ता जो है कार्य से विमुख हैं, क्या मामला है? जिस तरह से जो जबलपुर का एक मामला सामने आया उसको देखते हुए क्या डिमांड है आपकी? सर, कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक बेल मैटर लगा हुआ था श्री संजय देवी साहब की बेंच में। उसमें हमारे बार काउंसिल के वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री अनुराग साहू जी उस केस की पैरवी कर रहे थे और उस केस के दौरान अचानक ऐसी कोई घटना घटी। हमारा एक भाई को क्या हाथ हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। निश्चित रूप से कल इस प्रदेश के 92,000 अधिवक्ता में एक दुख की लहर दौड़ी और ऐसी घटना इस देश में इतिहास में पहली बार है कि इस तरह के जज को ऐसी कौन सी टिप्पणी हो गई, ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया हो गई जो इस तरह से कदम उठाना पड़ा। इसकी हम निंदा करते हैं और हम महामहिम राजपाल महोदय से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप तत्काल इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।